नमस्कार, मैं उमा। जेड न्यूज़ डिजिटल की इस कवरेज में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख इंटरनेशनल खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां राज्य और लोकल चुनाव में 4 भारतीय समुदाय के अमेरिकियों ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। गजाला हाशमी, सुहा सुब्रमण्यम, मनोहर राजू और डिम्पल अजमेरा, ये 4 भारतीय हैं जो अमेरिका में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे गजाला हाशमी की। गजाला हाशमी पहली मुस्लिम महिला है जो कि वर्जीनिया सीट सेनेट के लिए चुनी गई हैं, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। वहीं सुहा सुब्रमण्यम है जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर सर्व किया था। वे वर्जीनिया राज्य प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से मनोहर राजू को चुनाव में जीत मिली है। इससे पहले पब्लिक डिफेंडर जेफ अडार्ची के असामयिक मृत्यु के बाद मनोहर को पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट किया गया था। और नॉर्थ कैरोलिना में डिम्पल अजमेरा जो कि शार्लेट सिटी काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। अब बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके खिलाफ महाभियोग में जांच हो रही है, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते से शुरू होगी, वो भी खुले में। इसमें संसद की समिति के सामने अधिकारियों की गवाही का टेलीविजन चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस जाँच से 2020 के होने वाले इलेक्शन का ट्रंप पर क्या असर पड़ता है। चलते चलते बात कर लेते हैं सीरिया की। उत्तरी सीरिया के युद्ध की निगरानी कर रहे कुर्द मिलिशिया और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के बीच उत्तरी सीरिया में भीषण संघर्ष हुआ है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की बलों और तुर्की समर्थित विद्रोहियों द्वारा यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कुर्द मिलिशिया के खिलाफ हवाई हमला और तोपखानों में गोलीबारी पिछले 24 घंटों में और भी बढ़ गई है। शहर के बाहरी इलाकों में लड़ाई और भी तेज हो गई है। ये थी जेड न्यूज डिजिटल मीडिया की तरफ से कुछ इंटरनेशनल खास खबरें। इंटरनेशनल न्यूज के अगले सेगमेंट में हम जल्दी मिलेंगे और कुछ खास खबरों पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।